नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जूही और परियों के इस चैनल जल परी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले गर्भावस्था से जुड़े अंधविश्वास के बारे में। देश और विदेश में कई ऐसे अंधविश्वास आज भी हो रहे हैं जो गर्भावस्था के दौरान देखने को मिलते हैं। तो गर्भ धारण करने से पहले दिन से लेकर बच्चे के जन्म तक दोनों को ही पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के समय माता के साथ साथ पिता भी बहुत ही उत्साहित होता है, लेकिन दोस्तों कुछ बातों को लेकर बेहद परेशान भी रहते हैं कि वे कैसे माँ और बच्चों का उचित से उचित ध्यान रख सकें। इसी उत्साह और चिंता के चलते लोग बहुत सारे अंधविश्वासों से खुद को घेर लेते हैं। ना चाहते हुए भी गर्भावस्था स्त्रियां गर्भावस्था से जुड़े अंधविश्वासों को मानती हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। इस बात का डर आपको हमेशा ही सताने लगता है। आज हम देश विदेशों में प्रचलित गर्भावस्था से जुड़े अंधविश्वास को जानेंगे। भारत में गर्भावस्था से जुड़े अंधविश्वास किसी भी गर्भवती महिला को घर या कमरे की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। पहला अंधविश्वास ये होता है कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उसे घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो इससे बच्चे का जो सिर है वो बड़ा हो जाता है। गर्भावस्था के समय माँ को बाल और नाखून बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि अगर स्त्री गर्भवती है तो उसे अपने बालों और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, और अगर वो ऐसा करती है तो बच्चे के बाल और नाखून दोनों ही नहीं आएंगे। आठवें और नौवें महीने में नदी को नहीं पार करना चाहिए। दोस्तों, घर से बाहर जाते समय, सोते समय अपने पास चाकू को या फिर माचिस को रखना चाहिए, क्योंकि उससे बुरी आत्मा को बच्चे पर प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, एक बात ये भी कहते हैं कि उल्लू की आवाज़ नहीं सुनना चाहिए अथवा बच्चा डरपोक पैदा होता है। तो काली चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसे काली उड़द हुई, काले अंगूर हुए, काला जामुन हुआ आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा काला पैदा होगा। नारियल ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि नारियल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। रात में कहीं भी बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बुरी आत्माओं का असर आप पर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय चाकू छुरी आदि का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के शरीर का अंग भंग हो जाता है। ग्रहण के समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बस सीधे खड़े होकर चलते रहना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। बाहर जाते समय सदैव नीम रखनी चाहिए ताकि आप बुरी बलाओं से बच्चे की रक्षा कर सकें। दोस्तों, विदेशों में भी गर्भावस्था से जुड़े अंधविश्वास किसी भी गर्भवती महिला को कब्रिस्तान नहीं जाने देना चाहिए, इससे बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। भोजन करते समय छुरी काटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे की आंखें धसी हुई होंगी। तो किसी भी खम्भे के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा डिलीवरी आपकी समय से पूर्व हो जाएगी। गर्भावस्था में दर्द के समय अपने पति के चप्पल यानी कि स्लीपर्स पहनने चाहिए, इससे पीड़ा में राहत मिलती है। कपड़े धुलकर टब को उसी समय उल्टा करके रख देना चाहिए, इससे कि प्रसव आपका आसान हो जाता है। कमर पर बेल्ट या नाड़ा नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का दम घुट जाएगा। तो दोस्तों, ये वो अंधविश्वास है जो हम अभी भी मान रहे हैं। गर्भावस्था में इतने ही नहीं बल्कि और भी कई अंधविश्वास माने जाते हैं, लेकिन इन अंधविश्वासों का वास्तविक जीवन में कोई भी महत्व नहीं होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस तथा कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये सारी बातें अंधविश्वास से भरी हुई हैं। इस दौरान केवल माँ और बच्चे का भरपूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रह सकें और आपके घर में एक नन्ना सा छोटा सा मेहमान ढेर सारी खुशियों को लेकर आए। माँ को तनाव रहित माहौल देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।